हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो सामने आप देख सकते हैं, ये है फोर्स की गुरखा जो कि है यहाँ पे ESP मोटर्स पे। इसके जो ओनर है वो चलाती है इसको, और जैसे ये इसको जो चलाते हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या क्या एक्सपीरियंस है इसके साथ, क्या ये बेटर है थार से, क्योंकि इसमें आगे से ये देख सकते हैं क्या शानदार मॉडिफिकेशन हो के आती है। यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं लगेज वगैरह रखने का, यहाँ पे भी ये सिस्टम है, और एयर का भी लगा हुआ आता है, ऊपर रखने का भी सब कुछ लगा हुआ है। तो इसमें ये देख सकते हैं अलॉय भी लगी हुई आती है, तो ये फोर्स की तरफ से आती है। और इसको ये देख सकते हैं लिखा हुआ था FM 2.6, जो कि ये 2.6 करोड़ की नहीं है, लेकिन इस पर ऐसा ही लिखा हुआ था, उसका भी पूछेंगे अभी उनसे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं। हेलो सर जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह, तो ये कार कितने का माइलेज वगैरह निकाल देती है? ये गाड़ी सर आपको प्लेन रोड पे आपको दे रही है 10 से 13 के बीच में। प्लेन रोड पे 10 से 13 के बीच, और ऑफ रोडिंग में जाते हैं तो 9-10, 9-10, 8.5, अब वो की जबकि 4x4 यूज़ करते हैं। अच्छा, 2600 cc का इंजन है इसके अंदर, 91 bhp का है। 4x4 के साथ में डिफरेंशियल लॉक भी दिए हुए हैं इसके अंदर, जो कि ऑफ रोडिंग में इस गाड़ी के अलावा किसी गाड़ी के अंदर नहीं आते। चलो अंदर चल के बात करते हैं, बाहर नॉइस आ रही है। चाबी ले लेते भैया से इसमें। चाबी एक कुछ ऐसी यहाँ पे फोर्स गुरखा की देखने को मिलती है, देख सकते हैं एकदम बढ़िया की है, जिसमें 3 बटन लॉक अनलॉक के, और ये तीसरा बटन किसका है सर जी? ये कार फाइंडर बटन है सर, जैसे नाइट में आप अगर लाइट वगैरह जल जाती है। अच्छा अच्छा, तो अगर कोई आदमी थार और गुरखा को कंपेयर करे तो इसमें क्या एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है? सर देखिए, इसमें आपको जो देख रहे होंगे इसमें पीछे की एंट्री है बैक साइड से, तो आगे की सीट पे कोई भी बैठा हुआ है तो उसको उतारने में अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आप पीछे से इसमें एंटर करके बैठ सकते हैं। प्लस आपका इसमें लेग रूम काफ़ी बड़ा है अकॉर्डिंग टू थार, एंड आपका बूट स्पेस पीछे में जो लगेज रखने के लिए दिया हुआ है। हाँ, बूट स्पेस। बाकी आप हेड रूम देखिए आप, जो कि आपको थार में नहीं मिलेगा। और इसमें ये मैनुअल वाले डिप लॉक्स, हाँ ये आपको 4x4 गियर दिया हुआ है जिसमें 4 high and 4 low है, उसके साथ में आपको डिफरेंशियल लॉक दिया हुआ है फ्रंट और रियर दोनों। ये ऑफ रोडिंग में बेस्ट ऑप्शन है आपको ऑफ रोड यूज़ करने के हिसाब से, ये किसी और गाड़ी के अंदर नहीं आते हैं। मतलब ऑटोमेटिक थार में भी है, लेकिन वो ऑटोमेटिक कब कहाँ अप्लाई होता है, वो सडनली कितना काम करता है ये भी उसका नहीं है। अच्छा, तो कोई आदमी इसको ले तो इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ जाती है? सर्विस कॉस्ट नॉर्मल है 5-6 हज़ार रुपये आती है, 6-7 हज़ार रुपये लास्ट है। पहली सर्विस 10 हज़ार रुपये होती है, उसके बाद में सेकेंड सर्विस 20 हज़ार किलोमीटर पर है, और ऑयल इंटरवल उसी टाइम होता है। अच्छा, पहली 10 डायरेक्ट 10 हज़ार रुपये होती है, 1000 वाली नहीं होती? वो हम लोग करके देते हैं, जैसा कि हम लोग चल के आती है गाड़ी तो। अच्छा, वो तो वैसे ही करके दे देते हैं। अच्छा, तो ये देख सकते हैं आप, इसमें प्योर ऑफ रोड की सिस्टम है, और एयरबैग दो देखने को मिलते हैं इसमें फ्रंट पे दो। और जयपुर में अगर कोई आपकी शोरूम से ले तो आपका शोरूम कहाँ पे पड़ता है? हमारा शोरूम है सर नियर सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन, अजमेर रोड सोडाला के पास में है, अपोजिट रोशन मोटर। अच्छा, क्या नाम है वैसे? SP ऑटोमोटिव्स, SP फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, तो ये अगर जयपुर में हम लेते हैं तो एक्स शोरूम और ऑन रोड कितने की पड़ जाती है? एक्स शोरूम 14,50,000 रुपये पड़ता है, और ऑन रोड प्राइस इसका 18,14,000 रुपये अभी। अच्छा, इसमें ये टच स्क्रीन है, साथ में आती है एंड्रॉइड? नहीं, ये एसेसरीज का पार्ट। अच्छा, है इसमें एसेसरीज क्या क्या लगी हुई है? इसमें एसेसरीज आपका विंडो स्क्रीन बार दिया हुआ है फ्रंट पे, रूफ कैरियर है आपका, पीछे रियर लैडर है, एंड आपका म्यूजिक सिस्टम है। ये चार्जेबल है, जो कि मैंने आपको ऑन रोड प्राइस बताई उसमें सब कुछ इंक्लूड है। अच्छा, ऑन रोड प्राइस में सब कुछ इंक्लूड है। यस, बढ़िया चीज है। वैसे म्यूजिक सिस्टम इसमें कितने स्पीकर आते हैं? 4 स्पीकर हैं, 2 फ्रंट और 2 रियर। अगर एसेसरीज में टच स्क्रीन ना लगाए तो पैसा लेस कर देंगे सर, और उसमें स्पीकर थोड़ी आते हैं फिर? स्पीकर आएंगे लगे हुए। अच्छा, तो सिस्टम भी आएगा तो दूसरा? नहीं, सिस्टम नहीं आएगा कोई। अच्छा, स्पीकर इनबिल्ट आते हैं फैक्ट्री से। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है वो भी। यहाँ पे कंट्रोल जरा बताइए, कौन क्या क्या चीज़ों की कंट्रोल क्या क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि नॉर्मल सिंपल गाड़ी है,
बहुत ज़्यादा इसमें नहीं किया हुआ है। और हमने ये सुना है कि अगर इसको स्नो में ले जाते हैं तो इसका कोल्ड स्टार्ट बेस्ट रहता है। वो प्रॉब्लम थार के अंदर है जो कि नहीं बेस्ट रहता है, हमने ये सुना है कि थार से बेस्ट है इसका। हाँ, ये -30 डिग्री टेम्परेचर तक इसको टेस्ट किया हुआ है, और कहीं भी आप हिल पे जा रहे हैं -डिग्री टेम्परेचर हुआ तो आप इजी वे में इसको ड्राइव कर सकते हैं। वन सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है ये। अच्छा, इसका इंजन 2600 सीसी का इंजन है, मर्सिडीज से टाइप मर्सिडीज जो फोर्स मोटर जो मर्सिडीज को देता है उसे। देख सकते हैं ये बटन्स क्या है जैसा आप बता सकते हैं। ये आपका हैजार्ड लाइट होगी जो कि चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन होते हैं। ये आपका रियर फॉग लैंप हो गया जो पार्किंग के अंदर दिया होता है बैक लाइट के अंदर। अच्छा, ये आपका फ्रंट का फॉग लैंप का बटन, रियर में भी फॉग लैंप आता है इसमें। हाँ, एक आता है। चलो बढ़िया चीज है। और ये आपका एसी का बटन हो गया, एसी भी मिनिमम और मैक्स जो आप देख रहे हैं ये हाई हो गया तो अच्छा वन क्लिक से भी कर सकते हैं, वैसे मैन्युअली भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत। और आपका ये चार्जर पॉइंट दिया हुआ है 12 वोल्ट का, ये यूएसबी पोर्ट वगैरह दिया हुआ है। और इसमें ये बटन किसका है? ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये आने वाले टाइम में हो सकता है इनका एडब्ल्यू का जो है वो प्लान चल रहा हो तो ये अभी एक्स्ट्रा है, बट अभी इसमें एडब्ल्यू नहीं है। एडब्ल्यू नहीं डलता है इसमें? एडब्ल्यू नहीं है। तो बाकी डीजल कार्स में डलता है? बाकी सब में डल रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा बीएचपी कम किया है तो उसकी वजह से एडब्ल्यू नहीं है इसमें। अच्छा, तो ये इसमें खर्चा कम है वैसे। एडब्ल्यू बेसिकली ठंड के एरिया में जाएंगे तो वहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एसी काफ़ी पावरफुल है इसका। यहाँ पे क्या क्या कंट्रोल्स दे रखी है? ये आपका वाइपर के लिए हो गया, रियर वाइपर हो गया, आगे का हो गया, फ्रंट का, ये हेडलाइट्स है, ये टायर प्रेशर मॉनिटर हो गया आपका यहाँ पे। वो कंट्रोल कहाँ से होगा? इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये तो यहाँ। अच्छा, ये दोनों बटन है? ये दोनों बटन ये चेंज कर सकते हैं जो भी आप। अच्छा, स्टीयरिंग भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है। अच्छा, टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों है। हाँ जी। और सीट हाइट एडजस्टेबल है? सीट हाइट एडजस्ट हाइट एडजस्टेबल नहीं है। अच्छा, साइड पीछे से साइड हो जाएगी सीट। अच्छा, यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल यहाँ पे दी हुई है पीछे काफ़ी, जैसे कि इसमें खुला ज़्यादा लगता है, ऐसे कांच एकदम पूरे लास्ट तक जा रहा है तो ऐसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, वो मीटिंग वगैरह लोगों को होती है। और पीछे से भी एंटर कर सकते हैं और यहाँ से भी पीछे जा सकते हैं। देख सकते हैं अभी आगे से पीछे आ गया, और यहाँ पे देख सकते हैं ये इसमें भी एक यूएसबी पावर आउटलेट, यहाँ पे बोतल होल्डर और ये मोबाइल वगैरह रखने के लिए। पीछे यहाँ पे हेडरेस्ट है जो कि ये आगे क्यों नहीं आ रही? आ गया। ये हेडरेस्ट ऐसे नीचे आ जाता है। और इसमें कुछ लगा हुआ है क्या? ये क्या लगा हुआ है? नहीं, ये चेन दिया हुआ है। ये कंपनी से आता है या कुछ एक्स्ट्रा? पीछे बूट स्पेस भी काफी मिल जाता है। ये पीछे जो ढक्कन है वो किस चीज का है? नहीं, वो रियर वाइपर के अंदर पानी। अच्छा, रियर में के वाइपर के। अच्छा, इसका कवर यहाँ पे लगा हुआ है तो ये कवर लग जाता है यहाँ पे, तो अब कुछ भी नहीं दिखता है। थार में आपको पीछे क्वालिटी काफी वैसी लगती है ऐसे जैसे कि कोई चादर से चिपका रखे है, लेकिन इसमें फिट एंड फिनिश में कुछ भी कमी नहीं है। देखो, मैं किसी भी कार को कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं थार में भी बैठा हूँ और मैं गुरका में बैठा हूँ, तो थार में थोड़ा पीछे बिछा लगता है और ऐसे एयर सर्कुलेशन बढ़िया नहीं लगता है, लेकिन इसमें बढ़िया लग रहा है और इसमें थोड़ी क्वालिटी भी बढ़िया है। बाकी 4x4 मैंने किसी का भी ट्राई नहीं किया है तो मैं उसके बारे में कंपेरिजन नहीं दे सकता, जैसा मेरे को पता है उतना ही बताता हूँ आपको। दो एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे सामने ऑटो IRVM भी मिल जाता है। अगर आपको किसी को भी जयपुर के आसपास ख़रीदना है तो ESP मोटर्स पे आ सकते हैं। ये देख सकते हैं DRL लाइट्स, लो बीम, हाई बीम कुछ ऐसी दिखती है जो कि कंपनी से ही आती है, इसमें कुछ भी ऐसी सीरीज नहीं है। यहाँ पे नीचे फॉग लैंप देखने को मिल जाती है। लाइट्स पीछे से भी दिखा देता हूँ आपको। आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वो है, यहाँ पे नंबर प्लेट की लाइट्स और यहाँ पे टेल लाइट्स, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग कार्स है तो इसमें कुछ उतनी ज़्यादा खास चीज़ें फीचर्स नहीं होते हैं जैसे कि आप किसी भी ऑफ रोडिंग कार में देख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे फॉर्चूनर में भी इतने फीचर्स नहीं मिलते। इसमें 4x4 लिखा हुआ था है, तो ये इसमें 4x4 तो होती है लेकिन इसमें
इस पोर का मतलब होता है कि ये स्नो में, मड में, जंगल में और कहीं भी जल सकती है, आप देख सकते हैं इसको। उसका ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा 4x4 का कुछ जुगाड़ है। यहाँ पे पैर रखने का सिस्टम है, इसमें आप पीछे से भी एंटर कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। पीछे से आप ड्राइवर सीट तक भी एक्सेस कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया और वहाँ पर भी जा सकता हूँ मैं। तो ये फीचर इसमें मिल जाता है। कुछ चीज़ें इसमें एसेसरीज में भी लगी हुई है, यहाँ पे जैक देख सकते हैं, ऐसा जैक देखने में मिलता है आपको। अंदर से यहाँ से खोल सकते हैं आप टायर में। बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है वैसे फोर्स की गाड़ियों की। और ये यहाँ पे देख सकते हैं टॉर्चन करने का जुगाड़, ये देख सकते हैं एकदम बढ़िया शानदार, ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रैक्टर वगैरह या कोई क्रेन वगैरह है। हैवी चीज़ है ये, कार एकदम बल्की बल्की सी लगती है। और अगर वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।